आगे बढ़ते हैं। मुरैना में चमत्कार देख हैरान हुए लोग। चिता पर लिटाते ही युवक के शरीर में दिखी हरकत। युवक के शरीर में हरकत देख हैरत में पड़ गए लोग। युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे तुरंत ही। डॉक्टर्स ने युवक की नब्ज देखी और ECG कराई। युवक को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक को मृत समझकर मुक्ति धाम लेकर पहुंच गए थे परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए। युवक के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो रही थी। चिता पर लिटा भी दिया गया था, लेकिन तभी युवक के शरीर में कुछ हरकत होती है। उसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं, तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां पर चेकअप होता है। डॉक्टर्स युवक की नब्ज टटोलते हैं, ECG कराई जाती है। युवक को ग्वालियर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे मुरैना संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या है पूरा माजरा? देखिए बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आज 11 बजे का है, तकरीबन 11 बजे जब जो युवक था मृतक समझ करके उसको उसके परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए शांति धाम ले गए थे। इस दौरान जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी साथ में गए थे और रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद जब अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां शांति धाम में करने लगे थे, उसके बाद जैसे ही युवक का जो शरीर है वो उछल कूद करने लगा और उसमें ऐसी हरकतें दिखने लगी, जिस वजह से उसके परिजनों ने डॉक्टरों को सूचना दी। डॉक्टर मौके पर पहुंचा, वही डॉक्टर ने ECG की, उसके बाद डॉक्टर ने उस युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया है। अच्छा अमित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अंतिम संस्कार करने से पहले क्या डॉक्टर्स ने मृतक को, जो युवक को मृत घोषित कर दिया था क्या, जिसके चलते जो परिजन थे अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए? देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये युवक था, लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। यही वजह थी कि मृतक के वो युवक के जो परिजन थे उन्होंने मृतक समझा था। हालांकि ये अस्पताल में इस तरीके की हालत में युवक को नहीं लेकर के आए थे और अस्पताल में इस तरीके की सूचना नहीं दी गई थी। युवक के जो परिजन थे उन्होंने ही अपने स्तर पर जाँच की और उसके ठीक है। अमित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।